साथ में देख रहे होंगे हमारे भाई मोनू को। हाँ जी, मोनू और रितु आ गए हैं और इधर जी अपना सारा कपड़ा प्रेस कर रही है। देख सकते हैं जी, हम लोग सूरत निकलने की कर रहे हैं तैयारी। इतना अच्छा बना होगा रितु जी, जोर से चल बोलो, जल्दी फटाफट बोलो। वहाँ से जा रहे हैं अजियाई एयरपोर्ट और वहाँ से हमें निकलना है सूरत। तो फिलहाल जी हम लोग बैठ गए हैं फ्लाइट में और यहाँ से फ्लाइट जो है लगभग 1.5 घंटे की है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं क्रियांश को थोड़ा सा बाहर घुमाने के लिए। क्रियांश आ गया हमारे साथ क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो बाहर थोड़ा सा घूमेगा, हवा लगेगा तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पे हमारे इतने बड़े पिंपल्स आए हुए हैं, ये रे बाबा रे, सारा परेशानी हमी को भगवान देती है। गर्मी की वजह से बहुत हो रहा है अभी प्रॉब्लम, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज्यादा है दिल्ली में। और यहाँ देख सकते हैं हमारे लड्डू को, क्या है लड्डू? प्रसाद है, प्रसाद देने जा रहा है एक आंटी को और हम लोग उसको घुमा के थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। तो हम लोग आ गए हैं क्रियांश को लेकर के पार्क में और क्रियांश यहाँ पर घूम रहा है। ओए क्रियांश, ओए, और क्रियांश का जो है पार्सल भी आ गया है जो हमने मंगवाया था, इसके दो जूते। तो इसको खोल करके देख रहे हैं कि आखिर कैसा है। यार दो है, दो मंगवाए थे हम। दो क्यों मंगवाए? बस मंगवाया तो मंगवाया, क्यों मंगवाया ये कोई सवाल नहीं है, बस मंगवाया हमने, है ना। पैसे फेंकना नहीं है, पैसे का इस्तेमाल करना है। एक चाहिए था बस। देखो ये एक है इस कलर का और एक दूसरा भी है। हाँ, ओए होए क्रियांश। अब क्रियांश को जो है उसके ऊपर ध्यान गया हुआ है क्योंकि उसमें ऑरेंज रंग का कुछ ड्रिंक है और क्रियांश जैसे ही लाल या ऑरेंज कलर का कुछ देखता है उसके तरफ बहुत ही अट्रैक्ट होता है। हाँ बस बस बस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये ले लो। और अब खोला जा रहा है दूसरा, तो दूसरे में देखते हैं क्या मिलता है। हाँ जी, तो हम लोगों को जो है कल सूरत भी निकलना है, तो आज रात हम लोगों के पास मौका है, जो भी पैकिंग करना है कर लो, क्योंकि सवेरे सवेरे ही 6 बजे ही फ्लाइट है। एक जैसा का अलग अलग कलर है, कलर अलग अलग है लेकिन एक ही जैसा है। तो क्या हुआ? तो हम सब इनके आ चुके हैं, क्रियांश लिफ्ट का इंतजार कर रहा है। और इधर देखो क्या किए हुई है, सिर चिपका के दे दिया है जी। अच्छा चाहिए था, ये आ गई हमारे लिए, इसके अंदर आ गए हम और चलते हैं ऊपर। क्रियांश के इसमें बॉटल है, एक शूज है, यहाँ पे हुई झाड़, पापा का चश्मा चाहिए हम इसको। पापा चाहिए, पापा दाढ़ी नोच रहा है पापा। तो यहाँ पे गन्नू जो है भागे जा रहा है, देखिए उन्होंने जा रही मम्मी बच्चा कुछ हो जूता पहना है, तू देख रहा है जूता दिखा, ये सेल के 15 रुपए आई दीदी जूता पहन के, आपका देखिए भतीजा कैसे कर रहा है। मैंने खड़े से सामने तो हमारा खाना लग गया है जी। तो खाना खाने के लिए बैठ गए और साथ में देख रहे होंगे हमारे भाई मोनू को। हाँ जी, मोनू और रितु आ गए हैं और कल के ब्लॉग में जो हम दिखा नहीं पाए थे क्योंकि हम जो इतना ज्यादा थक गए थे कि हम कुछ भी शूट नहीं किए, ध्यान भी नहीं रहा मन में, और सुबह जब उठे तो सुबह भी सर दर्द, तो इस वजह से कुछ भी शूट नहीं हुआ। तो मोनू जो अपने रूम पर शिफ्ट हो गया है और फिलहाल आ गया है यहाँ पर क्योंकि कल हम लोगों को जाना है सूरत एक जरूरी काम से। तो हम लोग सूरत जाएंगे और क्रियांश को जो है साथ लेकर के नहीं जा रहे हैं। क्रियांश को साथ लेकर के इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि क्रियांश की तबीयत जो है सही नहीं है और सूरत में पड़ेगी बहुत गर्मी और सेम डे में हमारा अप डाउन है। हम लोग सुबह में जाएंगे, 9 बजे फ्लाइट है, 9 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे सूरत और वहां से 9 बजे रात को ही निकल जाएंगे यहां दिल्ली के लिए। तो मतलब सुबह के 6 बजे निकलेंगे और रात के 12 बजे हम लोग दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो एक दिन की बात है, तो क्रियांश यहीं पर रहेगा, तो मोनू रितु आ गए हैं, उसकी देखभाल करेंगे, बाकी सभी लोग तो घर में है ही, लेकिन पहले से घर में एक जो है छोटा सा बच्चा है गति, तो अकेले हुआ इतना उधम मचाता है, तो दो बच्चे साथ में रहेंगे क्या उधम मचाएगा, तो ऐसी बात है। तो ये लोग भी आ गए हैं, ये लोग भी अपना खेलेंगे अपने क्रियांश के साथ और कल हम चलेंगे सूरत और सूरत में क्या सब होने वाला है, क्यों जा रहे हैं, सब कुछ आपको आगे बताएंगे, वीडियो से बने रहिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये जुगाड़ू गेट बनाया है पापा ने ताकि क्रियांश लोग जो है इसमें एंट्री नहीं कर पाए। तो क्रियांश और गन्नू आता था और सारा सामान किचन का फेंक के चला जाता था, तो आज हमारे किचन में बना हुआ है रोटी, इधर राजमा की सब्जी और इधर चावल। जिया राजमा नहीं खाती है तो उसमें नैसी डाली है आलू। वाह, यह है जिया के खाना। और रोटी मैंने सेक दिया, आटा जिया ने गूथ दी, चावल रितु ने बना दी, सब्जी नैन्सी बना दी। वाह, बस काम खत्म, मेरा खत्म। ऐसे ही सब हमें बना बना के खिलाते रहे
मैं जा रही पहले कपड़ा प्रेस करूंगी क्योंकि कल जाना है सुबह ही। मुझे लगता है 3 बजे निकल जाएंगे मम्मी। 3 बजे? हाँ, पहले खाना खा लूँ फिर कपड़ा प्रेस करूंगा। ये दीदी जो है अपना दूध का जुगाड़ लेके घूम रही है अपने बच्चे लोगों बच्चों के लिए। हाँ, साथ में नाइटी भी लेके घूम रही है पहनने के लिए। घुसा के कैसे घूम रही है तो वो हो जाएगा तो गिर जाएगा। कोई तब कोई जरूर हंसे, एक बार हंसना जरूरी है। अरे हमको तो आप सबसे कम करवाते हैं, बड़ी आनंद से करते हैं, हमारी तबीयत खराब है। नहीं, रियल में मम्मी का तबीयत खराब है। मम्मी का पैर देख सकते हैं कितना ज्यादा फूल गया है, ये देखिए। मम्मी का और भी फूला हुआ था, अभी कम हुआ है, ये पूरा बैठ गया है। दवाई दोनों ननद भाभी मिल के दवाई लेने गई। हाँ, लेकिन मुझे दवाई दे ही नहीं रहती, उससे मांगते थे उसके पास है, उससे दीदी रखी हुई थी। अभी दी दवाई तो थोड़ा सा राहत मिल रहा है। ये तो मम्मी का काम, आटा पूरा लाइटर में भरी हुई। यहाँ पे सभी लोग खाना खा रहे हैं, लड्डू भी इधर खा रहा है। और मैं इधर अपना कपड़ा कुछ प्रेस कर रही थी क्योंकि कल मुझे ये पहन के जाना है, क्योंकि ज्यादा कपड़ा तो मैं लेके आई नहीं हूँ। इधर जी अपना सारा कपड़ा प्रेस कर रही है, देख सकते हैं जी हम लोग सूरत निकलने की कर रहे हैं तैयारी। मैं बोल रही हूँ ये कि मैं अभी तुरंत खाटू श्याम गई थी, यही सूट पहनी थी। और क्या कहते हैं, अभी फिर मैं जा रही थी यही सूट पहन रही हूँ। कुछ लोग होते हैं कि जैसे कि मैं एक कपड़ा मैं रेगुलर जैसे पहन लेती हूँ तो कमेंट आने लग जाते हैं, तुम्हारे पास तो कपड़े ही नहीं है, कि कपड़ा 10 बार पहनती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग ये कमेंट करते हैं। कोई बात नहीं, हमारे पास एक ही कपड़ा है, आप कोई नहीं, आप अमीर हो हम गरीब है कोई बात नहीं। और यहाँ देख सकते हैं जी एक मटका है, इस मटके में पानी रखा जाएगा। फ्रिज का पानी पीने से अच्छा है कि यह पानी पिए, जो टेम्परेचर होना चाहिए पीने का ठीक वही टेम्परेचर रहता है इसमें, और यह हमारे हेल्थ के लिए उतना नुकसान भी नहीं है। और देसी जुगाड़, देसी प्लस विदेशी जुगाड़ हो गया। और नाम लिखा हुआ है थम्सअप यहाँ पर, लेकिन थम्स डाउन है यहाँ पर। इसका पानी भरते भरते परेशान है, मटका सही से हम वो लगा नहीं पा रहे। बिल्कुल, मटका लग जाएगा। बहुत बढ़िया, अच्छा है, बार बार फ्रिज में नहीं डालना पड़ेगा। और रात को इसलिए भर रहे हैं क्योंकि इसको एटलीस्ट 6 से 8 घंटे चाहिए तब जाके ये पानी ना होता है ठंडा, फिर तो हमेशा रात में भर दो और सुबह तक चलता रहेगा। सही है, मस्त एकदम, पूरे दिन चलता रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का खाना लग चुका है, और दीदी हमारी बैठ के खा रही है साथ में बॉटल भी लेके। कोई बोल नहीं रहा, राजमा बहुत अच्छा बना है तो हमने खाया ही नहीं, और जो खा रहे हैं मजे में खा रहे, बस बता नहीं रहे हैं। तो अब कोई ये नहीं बोलेगा जल्दी ऐसे क्यों खा रही है, मेरे यहाँ पे कट लगा हुआ है। हाँ, इसीलिए मैं ऐसे खा रही हूँ। कोई बात नहीं, खाना चाहिए बस हाथों। नहीं, ऐसा करके खाना अच्छा नहीं होता है, तो वो तो किसी को पता नहीं होगा कि क्यों ऐसे खा रहे हैं, ये कट लगा हुआ है, चाय खाली लगा हुआ है। अभी मम्मी कहती है हम खाना खा रहे, पहले मैं व्लॉगिंग कर रहा था खाना खाना, मैंने बोला कि राजमा बहुत अच्छा। अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हैं। दीदी कहती क्या राजमा बहुत अच्छा बना है, हम अपनी तारीफ खुद कर लेते हैं बाद में खाना खाएंगे। रितु के पास था, तू बोलो अच्छा है, जोर से बोलो। अच्छा बना है, हाँ ऐसा नहीं है, नहीं बोलती है, बोलती है ये, बस आपके सामने नहीं बोल पाती है। जोर से जोर, मेरे सामने डर गई था, बोलती है इतना अच्छा बनाओ कर तू इतनी जोर से। चल बोलो जल्दी फटाफट बोल, इसका मतलब अच्छा नहीं बना है। अच्छा बना है, अच्छा बना है। रितु खा रही है चावल और राजमा, मेरा ये आलू और राजमा रोटी, मम्मी का है राजमा रोटी, दीदी का है चावल। रोटी खा चुके हैं हम, चावल खा रहे हैं क्योंकि राजमा चावल बेस्ट होता है। हम लोग भी खाएंगे चावल राजमा, पहले रोटी खा लो, और जी आप तुम भी खा लो। तो फिलहाल जी हम लोग है टैक्सी में, और यहाँ से जा रहे हैं एजीआई एयरपोर्ट, और वहाँ से हमें निकलना है सूरत, कुछ शॉपिंग करनी है, और वहाँ पर क्या क्या शॉपिंग करेंगे सभी कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। और क्रियांश जो है हमारे साथ नहीं आया है क्योंकि क्रियांश की तबीयत है खराब, और हमारा थोड़ा जरूरी था सूरत में जाने का, शॉपिंग के अलावा भी कुछ काम था वहाँ पर, तो वो काम सब निपटाना है। और यहाँ पर मम्मी पापा मोनू सभी लोग हैं, तो वो लोग सब हैं देखभाल करने के लिए। हाँ बिल्कुल, और हम लोग आज रात में उससे रिटर्न हो जाएंगे 12 बजे तक। बिल्कुल, तो अभी हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट से हम लोग घर आ चुके हैं बस में, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट के लिए। यहाँ पर बहुत ही बड़ा आराम से बैठ गया, क्या चलना है और क्या बस प्रियांश को घर पे छोड़ के आई हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन काम ही ऐसा था कि आना पड़ा, नहीं तो फिर नहीं आती उसको छोड़ के। लेकिन अच्छी बात ये कि घर पे सारे लोग हैं, ऋतु है, सब कोई है, और उसे हम लोग तो है सेम दिन ही रिटर्न हो जाएंगे, बस काम खत्म करके फिर रिटर्न हो जाएंगे।
तो फिलहाल जी हम लोग बैठ गए हैं फ्लाइट में और यहाँ से फ्लाइट जो है लगभग 1.5 घंटे की है और 1.5 घंटे में हम लोग जो है सूरत पहुँच जाएंगे। सूरत के एयरपोर्ट पे उतर चुके हैं और सूरत के एयरपोर्ट से अब हम लोग निकलते हैं बाहर 8 बजे में 1 मिनट। बिल्कुल जी, तो अब चलते हैं बाहर और इससे पहले जो है थोड़ा सा वॉशरूम सब हो लिया जाए यहाँ पर, क्योंकि बाहर का पता नहीं कहाँ क्या कैसा मिलेगा।